सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मौसम हो गए हैं आज सुबह सुबह ख़राब, बारिश लग गई है सुबह सुबह। तो वैसे मेरी वीडियो की शुरुआत तो आज सुबह 5:30 बजे से हो गई थी। हेलो गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और मैं सुबह उठ करके सबसे पहले तो आज यहाँ पे अपने चूल्हे की रिपेयर करूँगी और यहाँ पर रिपाई करूँगी, क्योंकि दिन में रोज़ रोजाना टाइम नहीं लगता है, या तो सुबह जल्दी उठ करके ये लिपाई का काम करना होता है या तो फिर शाम को करना होता है, तो शाम को तो हो नहीं पाता, शाम को सारा दिन भर थक के आते हैं ना, तो इसलिए फिर मैंने बोला कि ये सुबह का टाइम भी ठीक है। तो यहाँ पे तो सुबह सुबह चूल्हे की रिपेयर भी हो गई है और लिपाई भी हो गई है साथ साथ में, और आग जलाऊंगी मैं इसमें लेकिन थोड़ी देर बाद जलाऊंगी। तो यहाँ पे हरदीप के पापा भी उठ गए हैं और इन्होंने भैंसों को बाहर बांध लिए हैं और साथ साथ में यहाँ पे गोबर उठा रहे हैं। तो ये गोबर ले जाना है खेतों में डालने के लिए। तो यहाँ पे किरडे में गोबर भराना है मुझे, और अब मुझको दूनी है अपनी भैंस। तो मेरी भैंस वहाँ पे इंतजार कर रही है, तो जल्दी से दूध निकाल लेती हूँ। सुबह सुबह ना मौसम खराब हो गया है, हवा चल रही है और साथ में बादल भी गर्द रहे हैं। तो मैं चांद्री को बोल रही थी कि तू जल्दी से दूध उतार ले, नहीं तो कहीं ऐसा नहीं हो कि बारिश लग गई और सुबह सुबह मेरे स्नान भी हो गए और तेरे भी। पर दूध तो इसने उतार लिया, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगा लिया आज इसने दूध उतारने को, क्योंकि घास ना थोड़ा सा अच्छा नहीं था जो इसको शाम को घास काट के लाई थी मैं ना, तो अंधेरा हो गया था शाम को घास काटते काटते, तो अंधेरे में मुझे पता नहीं चला, मैंने भी जहाँ पे मोटी मोटी घास थी उसको ही काट लिया है जल्दी से। तो इसने दूध उतार लिया है, अब मैं जल्दी से दूध निकाल लूँगी। बड़ी सख्त है मेरी भैंस, दोनों को बाद में दर्द लग जाती है इसका जब मैं दूध निकालती हूँ। तो भैंस को मैंने धो लिया है और शुक्र है कि अभी बारिश नहीं लगी, क्योंकि इतना मौसम खराब हो गया है सुबह सुबह ना, तूफान ही आ गया सुबह सुबह एक तरह का। और अभी मैंने इनको दलिया नहीं खिलाया है, क्योंकि इनका दलिया हो गया है आज ख़त्म, तो मुझे इनके लिए दलिया पीसना होगा अभी। पर पहले मैं थोड़ी सी लकड़ी ले जाऊंगी रसोई में, क्योंकि अगर बारिश लग गई ना तो फिर लकड़ी बाहर गीली हो जाएगी और खाना बनाने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। और पीछे हमारे फूल खिले हुए कितने सुंदर लग रहे हैं ये देखिए। और अभी 2-3 दिनों बाद दिवाली आने वाली है, तो आज तो 21 तारीख है और 24 को है दिवाली, तो आप सभी लोगों को एडवांस में हैप्पी दिवाली। चलिए जी ले चली हूँ मैं लकड़ी भी, और हल्की हल्की बूंदें गिरने लग गई है बारिश की, हल्की हल्की ने अभी तो अच्छी खासी गिरने लग गई। तो चलिए चलते हैं जल्दी से, और आज सुबह सुबह मौसम इतना ख़राब हो रहा है ना, ऐसे लग रहा है कि आसमान तो धरती पर उतर जाएगा। तो अब फटाफट से रसोई में पानी भरने को लगाऊंगी मैं, और अब फटाफट बाहर से सामान वगैरह उठाना है, छोटा मोटा पड़ा हुआ है बाहर, ज़्यादा तो कुछ नहीं, हमने शाम का ही सामान सारा उठा लिया था क्योंकि शाम को भी मौसम ख़राब हो गया था। और यहाँ पे मक्की तो हमने शाम को इकट्ठा कर ली थी, तो यहाँ पे मैं तुरपाल ढक लूँगी, और साथ में अभी इनको भी अंदर बांधना पड़ेगा। और ये घास खा रहे हैं, तो पहले इनका ये जो घास है ना इसको उठाना होगा मुझे, इसको भी अंदर रख लूँगी, ये अंदर फिर से इस घास को खा लेंगे। और आज 21 तारीख है ना, तो आज हमारे चंदू का जन्मदिन है, ये आज 1 साल का पूरा हो गया है। तो अब मैं आ गई हूँ रसोई में, और अब मुझे जलानी है आग। और ये जो आज बारिश लगी है ना, इससे मौसम चेंज हो गया है और ठंड हो गई है बहुत ही ज़्यादा, और मैं तो थोड़ी थोड़ी बार भीग गई हूँ ना, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी। और मैंने स्वेटर नहीं पहनी है, क्योंकि ना मुझे स्वेटर निकालने को टाइम ही नहीं लगा, मैं सुबह से इतनी ज़्यादा बिजी थी। और आज ये जो बारिश हो रही है ना, तो हम तो सोच रहे थे कि अभी बारिश ना होती तो अच्छा होता, पर भगवान को तो सबकी ज़रूरत का पता ही है कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो प्रभु अपने हिसाब से सबको देते हैं कि कितना देना है और कब देना है और किसको देना है। तो जल गई हमारे चूल्हे में आग, और आग जलाते ही सबसे पहले तो मैंने चूल्हे पे पानी रखा है गर्म करने को, क्योंकि ठंड हो गई है ना, तो आजकल हमारा बिना गर्म पानी के कोई काम नहीं चलता है, जैसे बर्तन वगैरह धोने हैं और खाना वगैरह भी बनाना है ना, तो गर्म पानी तो चाहिए चाहिए होता है। तो अब मैं भी पहले तो थोड़ी देर यहाँ पे आग सेक लूँगी, फिर उसके बाद बनाऊँगी खाना। तो हमारा खाना बन गया है और रोटी सब्जी बनी है, तो आ जाइए आप लोग भी खाना खाने को, और हम भी अब खाना खा लेते हैं पहले। तो हरदीप आज खाना थाली में डाल रहा है। तो खाना हमने खा लिया है, और सुबह जो बारिश लगी थी ना
तो अभी मौसम साफ हो गया है और जितना कि मौसम सुबह खराब हुआ था ना उतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई, हल्की हल्की बारिश हुई है। और वहाँ पे हमने अपने पशुओं को फिर से बाहर बांध लिया है, जब बारिश लगी तब तो इनको अंदर बांध लिया था, लेकिन अब फिर से मौसम साफ हो गया है तो अब इनको बांध लिया है बाहर, मज़े से यहाँ पे अब ये धूप सेकेंगे। और तीन चार दिनों से मुझे ना कपड़े धोने तक को भी टाइम नहीं लग रहा था, तो आज मुझे मौका मिल गया है क्योंकि आज बारिश हो गई है, तो आज हम घास काटने को नहीं जा रहे हैं तो कपड़े ही धोऊंगी आज तो मैं घर में सबसे पहले। तो अब धोकर के मैंने सुखाने के लिए डाल लिए हैं और काफ़ी सारे कपड़े थे धोने को, एक घंटा लग गया मुझे कपड़े धोने को ही। और अभी ना दिन के 1 बज गए हैं तो मुझे कहीं पे जाना है, मुझे बहुत ही ज़रूरी काम है, तो कहाँ जा रही हूँ मैं वो आपको मैं आकर के ही बताऊँगी क्योंकि मुझे ना अभी जल्दी लगी हुई है, क्यों बस आ जाएगी मेरी, मुझे बस से जाना है। तो अब मैं तैयार होकर चल पड़ी हूँ मार्केट क्योंकि अभी 2 दिनों के बाद दिवाली आने वाली है ना, तो आपको तो पता ही है कि दिवाली कितने खुशियों का त्यौहार होता है और दिवाली में थोड़ी सी घर की साज सजावट भी करनी होती है, तो इसके लिए मुझे थोड़े से कलर चाहिए थे, तो तब जा रही हूँ मैं मार्केट। और फिर आज के बाद मुझे टाइम ही लगना था क्योंकि 2 दिन बाद तो दिवाली है, तो आज हम घर में थे तो फिर आज अच्छा मौका था, मैंने सोचा कि चलो आज ही मार्केट जा आती हूँ, नहीं तो फिर ना तो मुझसे घर की सजावट हो पाएगी ना तो फिर दिवाली का मज़ा आएगा मनाने का। मार्केट जाके मैं आ गई हूँ और 3:45 बज गए होंगे मेरे ख्याल से, तो काफ़ी टाइम लग गया वैसे। वैसे मार्केट हमारी ज़्यादा दूर नहीं है, कम से कम 7-8 किलोमीटर दूर इतने ही है। और मुझे आज ना घूम लगी गाड़ी में क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद बैठी हूँ मैं आज गाड़ी में, टाइम नहीं लगता है कहाँ जाना हमने। तो इसमें है लाल कलर, ये मैं 5 किलो की थैली लेके आ गई हूँ, और इसमें है सफ़ेद कलर, तो ये भी 4-5 किलो लेके आ गई हूँ मैं क्योंकि दिवाली को तो चाहिए कलर घर जो सजाना है ना थोड़ा सा। तो ये देखिए ये रहा सफ़ेद कलर, और इसको तो अभी खोला नहीं है, पैकिंग में ही है, तो इनको जब कलर करना है ना अपने घर में मुझे तभी खोलूँगी मैं इनको फिर। और भूख भी लग गई थी मुझे, अभी लंच नहीं किया था जब मैं गई थी ना, तो बस पकड़ने की जल्दी लगी थी मुझे, तो अब सबसे पहले तो मैं लंच वगैरह करूँगी, और प्यास भी लगी है तो पानी वगैरह पीना है पहले। तो लंच मैंने कर लिया है और अब मुझे अपने पशुओं के लिए दलिया पीसना है क्योंकि आज सुबह बोला था मैंने कि पशुओं का दलिया ख़त्म हो गया है, तो सारा दिन तो अभी मुझे टाइम नहीं मिला दलिया पीसने के लिए, लेकिन अब मुझे टाइम है थोड़ा सा। और यहाँ पे मैंने मक्की डाल ली है, और मैंने बोला है कई बार कि मैं अलग अलग पीसती हूँ, मक्की और गेहूँ को इकट्ठा पीसती हूँ, फिर बाद में इकट्ठा करके देती हूँ दोनों चीज़ों को। तो दलिया मैंने पीस लिया है, और दलिया पीसने के बाद मैंने यहाँ पे 2 बर्तनों में डाल दिया है क्योंकि सुबह का अपने पशुओं को दलिया नहीं खिलाया था, और हमारे चंदू का आज जन्मदिन है तो उसके लिए स्पेशल केक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे, और चंदू नाम भी इसमें लिखा हुआ है इसका नाम। पर ये ना इंतजार कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं भाई बातें मत कर जल्दी से ले खाने के लिए, पागल हो रहे हैं हमारे चांदनी भी और चंदू भी, तो अब मैं इनको खाने को दे देती हूँ, पर मुझे एक हाथ से उठाया नहीं जाएगा, एक एक ले जाना पड़ेगा मुझे, तो पहले तो मैं चांदनी को दूंगी, ले खाए ले। चंदू तो इतना पागल हो रहा है आज ना, ये बोल रहा है आज मेरा जन्मदिन है और आज मेरे को केक नहीं खिलाया, अब लाए हुए बच्चों को केक, आज हो रहा आज ओढ़े ओढ़े आ जाए बच्चे जो केक चंदू केक काट रहा है, ये देखिए काट लिया चंदू ने केक, जल्दी से केक काट लिया मेरे चंदू ने, 1 साल का हो गया है आज मेरा चंदू, और मुझे बहुत प्यारा है ये, बनाने और यहाँ पे हरदीप के पापा ने कांटे काट करके रखे हुए थे, तो रोज़ रोज़ तो मुझे इनको उठाने को टाइम ही नहीं लगता था और ना ही तो जलाने को टाइम लगता था, लेकिन आज इन कांटों ने ना मेरा बहुत ही नुकसान कर दिया। यहाँ पे ये जो मेरा दुपट्टा रखा हुआ है ना, मैं कपड़े उठा रही थी यहाँ से, तो ये जो मेरा दुपट्टा है ना ये ख़राब हो गया है क्योंकि उन कांटों के बीच में ना एक ऐसा भी पौधा होता है छोटा सा घास होता है, कूरी बोलते हैं हम उसको, तो वो कूरी थी इनके बीच में, मैं कपड़े उठा रही तो मेरे दुपट्टे में लग गई, ये दुपट्टा तो मेरा ख़राब हो गया, और इसके इतने छोटे छोटे दाने होते हैं ना ये कपड़े ही फाड़ देती है ये कूरी, लेकिन ये कपड़ों से निकलता ही नहीं है। तो तब फिर आज मैंने बोला कि पहले इन कांटों को ही जला लूँगी क्योंकि इन्होंने आज मेरा दुपट्टा ख़राब कर दिया, तो सारे कांटे इकट्ठे करके मैंने यहाँ पे जला लिए, और मेरे हाथ में भी कांटा लग गया साथ साथ में यहाँ पे।
तो शाम के 6 बजने लग गए हैं और अंधेरा भी होने लग गया है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो और आज की अपनी इस वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अब हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।